अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ अकील अहमद। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको जिसकी सेटिंग बताऊंगा वो एच एटर्नल की सारी सेटिंग जो है जेएस की और जोंग की दोनों की जो है सेटिंग मैं आपको बता दूंगा। आप खुद ही जो इसका फाइल बना के और इसकी सेटिंग करके इसको चला सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, चलते अपनी जो है एच एटर्नल की तरफ। एच एटर्नल में जाने के बाद फ्रेंड्स आपने करना क्या होगा कि जब आप जाओगे तो जेस की सेटिंग में आपको बता रहा हूँ एच एटर्नल की। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे थ्री डॉट इसमें जाएँ, इसमें क्या नाम है ये पेलोड में हम जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा होगा, कस्टम पेलोड लिखा होगा और ये तीनों लिखे होंगे। ठीक है, कस्टम होस्ट रीडर, कस्टम SNI और ये। तो हमें जाना है TCP मोड में। ठीक है, कस्टम पेलोड में। इसमें जाने के बाद यहाँ पे जो हमें पेलोड जो है हमें चाहिए, तो वहाँ से हम यहाँ से बनाएंगे इसको। थ्री डॉट पे जाएंगे, यहाँ पे हमें पेलोड लगाना है। ठीक है, थ्री डॉट में जाने के बाद यहाँ पे पेलोड जनरेटर लिखा हुआ है, हम इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद जिन फ्रेंड्स के पास फिल्टर डॉट ncnd.js.com .pk/nc, जिनकी फिल्टर से NC। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो है हेड लगाना है, उसके बाद यहाँ पे जो है HTTP2 लगाना है और कीप अलाइव लिखना है। ठीक है, तो इसको हम जनरेट करेंगे। जिन जिन के पास ये वाला कोड है चल रहा है, ये वाला वर्क कर रहा है, वो ये लगाएंगे। ठीक है, और जिनके पास ये वो कोड वर्क ये फिल्टर वाला काम नहीं कर रहा तो वो ये लगाएंगे। ठीक है, 1.1.3.5। ठीक है, तो ये उनके लिए है जिनके पास फिल्टर वाला काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको हम जनरेट करेंगे, जनरेट पे यहाँ पे अप्लाई। ठीक है, ये हमारा जो है अप्लाई हो गया। ठीक है, तो सर्वर हम इसमें यूनाइटेड स्टेट वाला जो है वही लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड से इसकी इसको बनाने के बाद हम चेक करेंगे स्टार्ट करके, अगर चेक हो रहा है, चल रहा है कि नहीं। मेरा चल रहा है। ठीक है, तो अब ये फाइल कितने दिनों का बनाना है, इसका फाइल बनाना है कैसे, बनाना है क्या करना है। ठीक है, तो उस फाइल बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, उसका फाइल जो है कैसे बनाना है। यहाँ पर थ्री डॉट पर जाएंगे हम, यहाँ पर इम्पोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आप जाओगे एच एटर्नल लिखा हुआ, इसको काट के आप अपना कोई भी नाम जो है लिख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ मैसेज में आप कुछ भी लिख सकते हो, और अगर आप इसकी एक्सपायरी डेट डालेंगे यानी कि 1 महीने 2 महीने, तो यहाँ पे जाएंगे हम, तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट आप कर सकते हो कोई भी। तो मैं इसकी एक्सपायरी डेट 2030 तक भी कर सकता हूँ। ठीक है, 2030 के दूसरी तारीख या तीसरी तारीख को मैं लगाऊंगा यहाँ पे। तो ये देखिए आपके पास 3 सितंबर 2030 तक जो है ये मैं इसको बना सकता हूँ इसको। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं इसकी एक्सपायरी डेट कोई नहीं बनाता, इसको ऐसे ही एक्सपोर्ट कर देता हूँ, यानी कि ये अनलिमिटेड हो गया, ये सारी उम्र के लिए फ़ाइल बन गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम इसको जो हमने फाइल बनाई है वहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे थ्री डॉट पे जाने के बाद इंपोर्ट पे जाना है। इंपोर्ट में जाने के बाद एच एटर्नल का जो मेरा आपका जो होगा एच एटर्नल का फोल्डर वो वहाँ पे बनी होगी, पड़ी होगी, बन के और पड़ी होगी। ठीक है फ्रेंड, एच एटर्नल का जो फोल्डर है ये रहा HTML प्लस। इसमें जाने के बाद ये मेरी फाइल जो है टिक्स लोड हेड के नाम से पड़ी है, ऐसे पड़ी होगी, आपकी भी पड़ी होगी HTML में। ठीक है, तो इसको हम लोड करेंगे तो आपके सामने जो है ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ये आपकी की फाइल होगी फॉरएवर के लिए। ठीक है, तो जो जो फ्रेंड्स है इसकी फॉरएवर की फाइल बनाना चाहते हैं तो ये से इसकी फाइल बना सकते हैं। और
अब इसकी इमेज जो आपको जो है रोम की फाइल जो है बनाना सिखाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स रोम की फाइल बनाने के लिए जो है एक सिम टू रोम पे जाना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम जाएंगे, जब रोम की फाइल बनाएंगे इसकी तो यहाँ पे कस्टम SNI जो है वो लिखा होगा, ठीक है। तो कस्टम SNI में हम जाएंगे, यहाँ से फ्रीनेट जो है इसको हम काटेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम रोम वाली जो चल रही है प्रॉक्सी होस्ट रोम का वो लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे यूज रियल होस्ट इसको टिक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो है हमारी जो सेटिंग है वो सारी हो गई है रोम की, ठीक है फ्रेंड्स। मैं कुछ कनेक्ट करके पहले दिखाता हूँ कि कनेक्ट होती है कि नहीं होती है, कनेक्शन फेल बता रही है। तो फ्रेंड्स साहब, मैंने देखा कि यहाँ पे भी जो है जेज वाला मसला आ गया है, जेज का फिल्टर वाला कोड काम नहीं कर रहा और इसकी ये वाली प्रॉक्सी पे फेल बता रहा है। तो अगर आपके पास ये मसला आ जाता है तो यहाँ पे इसको काट के who.int ये लिखना है, ठीक है। इसको कनेक्ट करके देखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये भी कनेक्ट नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों क्या हो गया। तो फ्रेंड्स रोम का जो है आपको यही जो है सेटिंग करनी है। मेरा तो पता नहीं अभी कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, कोई नेटवर्क का मसला आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको फाइल बनाने के लिए जो है यहाँ पे जाना होगा, थ्री डॉट्स पे, ठीक है। फिर इंपोर्ट, उसी की तरह जैसे एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे जेस का हमने फाइल बनाया है उसी की तरह हम उसको भी नाम देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी एक्सपायरी डेट जो है यहाँ से आप इसकी जो है कोई भी रख सकते हैं। अगर रख सकते हैं महीने की, दो महीने की, तो आप यहाँ से रख सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसको छोड़ दें, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आप यहाँ से नीचे जाके फाइल इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद जो है फाइल जो है यहाँ से इंपोर्ट करने के लिए हमें इंपोर्ट में जाना होगा। फिर हमें जो है HTML जो है सर्च करना होगा। HTML में हमारी जो फाइल जो है HTML में पड़ी हुई, अब ये वाली फाइल है मेरे ख्याल में रोम की। तो फ्रेंड्स रोम की और जेस की और रोम की दोनों की जो फाइल है इस तरह से बनाते हैं HTML के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई क्योंकि पता नहीं रोम पे कनेक्टिंग में कोई मसला हो रहा था, पता नहीं कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा था। ये रोम का और जेस का नेटवर्क बहुत ही ख़राब हो जाते हैं, किसी किसी टाइम पे बिल्कुल ही वर्क नहीं करते, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह जो है HTML का फाइल बनाते हैं रोम के लिए और जेस के लिए। तो जो जो नए फ्रेंड्स मेरे वीडियो पे आए हैं, मेरे चैनल पे आए हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे वीडियो को जो है लाइक कर दें। थैंक यू।